सरकारी मुलाजमी की तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन का मामला, महकमे खजाना ने नोटिफिकेशन के इजरा के लिए समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। वजीर आला की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन कल जारी होगा। बजट में तनख्वाहों में 15% डिस्पैरिटी अलाउंस में 15% इजाफा किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज टीवी। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा पंजाब के हवाले से। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन के हवाले से बड़ी अहम खबर है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी और 20 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बजट में तनख्वाहों में 15% डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा किया गया। तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन 15 रोज से ताखीर का शिकार है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आज जारी किसी भी वक्त हो सकता है या 20 तारीख तक जारी हो जाएगा। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन के इजरा के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई थी और जो जिसकी मंजूरी कल हो गई है और बड़ी उम्मीद है अल्लाह से कि आज ये इजाफा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके हवाले से बताता चलूँगा कि जो सरकारी मुलाजमीन पंजाब में 7-8 लाख के करीब है, इनका नोटिफिकेशन अगर जारी भी हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पे रोल 20 से लेकर 25 तक निकलता है और तमाम बैंकों को वो जो है पे रोल पहुँचा दिया जाता है और उसके बाद तनख्वाहें जारी होती हैं स्टेट बैंक के थ्रू। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि अगर ये नोटिफिकेशन जारी भी हो जाता है तो मुश्किल लगता है कि 7-8 लाख जो कि मुख्तलिफ स्केलों में लोग सरकारी मुलाजमीन काम करते हैं उनकी तनख्वाहों को एडजस्ट करना, नए स्केल के मुताबिक एडहॉक रिलीफ है, दूसरी चीजें हैं, उनको जम किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ये सारा काम हो जाए, तो ज्यादा यही अमकान है कि अगस्त की बजाय सितंबर में आपको बकाया जात के साथ तनख्वाहें मिलेंगी। तो अगर कोई कंप्यूटराइज, क्योंकि सारा सिस्टम है, तो अगर वहाँ पे दफ्तर ख़जाना कोशिश करते हैं दिन रात, तो बड़ी उम्मीद है कि इस महीने तनख्वाहें मिल जाएंगी आपको, लेकिन ज़्यादा यही चांसेस हैं कि तनख्वाहें अगले महीने यानी सितंबर में ही जाकर इजाफे के साथ मिलेंगी। तो चले नोटिफिकेशन जो है वो तो जारी होना चाहिए, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से तसल्ली होनी चाहिए कि चलो नोटिफिकेशन, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से पहले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हुए हैं। तो इस वजह से सरकारी मुलाजमीन जो है बड़ी शिद्दत से उनको इंतजार है कि किसी तरीके से नोटिफिकेशन जारी हो जाए और उसके बाद तनख्वाहों में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।